अगर हम बात करें इसके ब्लेडों की, आपने इसमें कौन से ब्लेडों का इस्तेमाल किया है? बोरन स्टील। बोरन स्टील के ब्लेड हैं। इन ब्लेडों के साथ कुछ गारंटी वारंटी मिलती है? मेन चीज सबसे पहले ये है कि अगर आप कोई भी रोटावेटर खरीदेंगे, हाँ जी, उसके जो ब्लेड होते हैं ना वो अलग ही कंपनी के होंगे। अच्छा। इसमें आपको ब्लेड भी KSD के मिलेंगे। अच्छा। और इसमें गारंटी इसकी ये है, अगर 50% घिसने से पहले, हाँ जी, अगर टेढ़ा हो जाए टूट जाए, हाँ तो आप ले आओ, वो भी आपको चेंज करके नया मिल जाएगा। अच्छा, अगर मुड़ता भी है तब भी आपको नया मिल जाएगा। अच्छा। किसान भाइयों नमस्कार, आज मैं आया हूँ MR एग्रो एंटरप्राइजेस बिसोली में, और आज हम दिखाने वाले हैं भारत का सबसे मजबूत रोटावेटर। जैसे कि आप जानते हैं ये रोटावेटर जो है KSD का रोटावेटर है, भारत का सबसे मजबूत रोटावेटर है। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मैम, इनका आपको परिचय कराते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले आप हमारे किसान साथियों को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। सर मेरा नाम अंजू है और मैं MR एग्रो से KSD रोटावेटर के साथ हूँ आपके। अच्छा, जैसे कि किसान कहते हैं भारत का ये सबसे मजबूत रोटावेटर है, सच में सबसे मजबूत रोटावेटर है? सबसे ज्यादा मजबूत वाला रोटावेटर है ये। अच्छा, जैसे कि हम आपका ये पीछे मॉडल देख रहे हैं, ये कितने फिट का मॉडल है? ये 7 फिट का। अच्छा, इसकी क्या क्या क्वालिटी है? जैसे कि 7 फिट का रोटावेटर काफी सारी कंपनियां बना रही हैं, तो किसान आपका रोटावेटर क्यों खरीदे, इसमें क्या खासियत है? देखिए ये 7 फिट का रोटावेटर है, 54 ब्लेड में चैंपियन मॉडल है। अच्छा। आपको मार्केट में ज्यादातर रेगुलर मॉडल मिलेगा। अच्छा। जो गहराई भी कम लेता है। अच्छा। और काम भी अच्छा नहीं करता। ये 13-23 के गियर बॉक्स में मिलेगा। अच्छा। तो गहराई भी ज्यादा लेगा। किसान भाइयों जो रोटावेटर का सबसे मेन पॉइंट होता है वो होता है इसका गियर बॉक्स। इसमें 13-23 का गियर बॉक्स लगाया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो रोटावेटर में 11-22 के गियर बॉक्स आते हैं वो इससे थोड़ा ज्यादा लोड लेते हैं, 13-23 के गियर बॉक्स वाला रोटावेटर कम लोड लेता है। मैं देख रहा हूँ इसकी पेंट क्वालिटी काफी शानदार है, इसमें कौन सा पेंट किया गया है? ये पावर कोटेड है। अच्छा, काफी लंबे समय तक चलेगा? हाँ, काफी लंबे समय तक चलेगा। अच्छा, अगर हम बात करें इसके ब्लेडों की, आपने इसमें कौन से ब्लेडों का इस्तेमाल किया है? बोरन स्टील। बोरन स्टील के ब्लेड है। इन ब्लेडों के साथ कुछ गारंटी वारंटी मिलती है? मेन चीज सबसे पहले ये है कि अगर आप कोई भी रोटावेटर खरीदेंगे, हाँ जी, उसके जो ब्लेड होते हैं ना वो अलग ही कंपनी के होंगे। अच्छा। इसमें आपको ब्लेड भी KSD के मिलेंगे। अच्छा। और इसमें गारंटी इसकी ये है, अगर 50% घिसने से पहले, हाँ जी, अगर टेढ़ा हो जाए टूट जाए, हाँ तो आप ले आओ, वो भी आपको चेंज करके नया मिल जाएगा। अच्छा, अगर मुड़ता भी है तब भी आपको नया मिल जाएगा। अच्छा, अधिकतर कंपनियां क्या करती हैं कि टूटने पे गारंटी देती है, मुड़ने पे नहीं देती है? नहीं, हमारी कंपनी मुड़ने पे भी देती है, अगर टेढ़ा हो जाता है तो आप इसको ले आइए, खोल के आपको नया ब्लेड मिल जाएगा। अच्छा, ऐसे तो अगर किसान ने कहीं पत्थर पे मार दिया तब भी टूट जाएगा, तब भी फ्री मिल जाएगा किसान का, तो फायदा ही फायदा होने वाला है। अगर हम बात करें इसके साइड गियर बॉक्स की, जैसे कि मैं इसका साइड गियर बॉक्स देख रहा हूँ, सबका गियर बॉक्स ऐसा ही होता है, बस उसमें ये नहीं लगा होता है, ये आपने क्यों लगा रखा है? ये जब किसान मिट्टी में चलाता है तो हाँ ये बॉक्स जब सिंगल होगा ना, हाँ तो ये चीज खराब हो जाती है। अच्छा, नीचे से घिस के फूट जाएगा? अच्छा, डबल भी नहीं, ट्रिपल है, एक ये सपोर्ट है, एक दूसरी सपोर्ट है। अच्छा अच्छा, तो एकदम घिसने वाला नहीं है? नहीं, घिसने वाला नहीं है, पहले मिट्टी इससे टकराएगी फिर उसके बाद उससे टकराएगी। अच्छा, आपने गियर बॉक्स को भी एक प्रोटेक्ट कर दिया एक लोहे के कवर से? ये पहले ये था ना कि इसमें ये घिस जाता था, ये खराब हो जाता था। अच्छा। अब इसको सपोर्ट है तो इसमें कोई कंप्लेंट नहीं आई। अच्छा, अगर हम बात करें इसमें आपने गलारी कौन सी लगा रखी है? इसमें 20-35-28 की। अच्छा, अगर हम बात करें जो आपकी ये गलारियां हैं, इनका मटेरियल कौन सा होने वाला है? EN353। किसान भाइयों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, EN353 सबसे हार्ड मटेरियल होता है, इससे हार्ड मटेरियल और कोई नहीं आता है। और जैसे कि मैं देख रहा हूं, सबसे पहले मैंने ये नोटिस किया है कि आपने इसके क्लंप काफी हैवी दिए हैं, इनका क्या कारण है? लोग कहते हैं ना कि इस पे लोड पड़ता है, इस पे लोड पड़ता है, हाँ इसमें इतने क्लंप हैवी है, हाँ इसमें कोई भी कंप्लेंट नहीं आने की है। अच्छा, और इन पे भी KSD की मार्किंग है? हाँ, ये नहीं है अदर कंपनी का, नहीं KSD लिखा हुआ, हर पार्ट्स पे KSD लिखा हुआ है। किसान भाइयों आप इसके बोल्ट वगैरह भी चेक कर सकते हैं, 8.8 हार्डनेस के इसमें बोल्ट हैं। और मैं देख रहा हूँ कि आपने जो स्प्रिंग लगा रखे हैं, किसान भाइयों आप स्प्रिंग को नोटिस कर सकते हैं, काफी हैवी स्प्रिंग दिए हैं। इतने हैवी स्प्रिंग देने की क्या कारण रहा? इसके इतने हैवी है, लोग हाँ कहते हैं ना कि जब खेतों में चलता है तो पटेला टेढ़ा हो जाता है, हाँ या इसके जो ये स्प्रिंग है टेढ़े हो जाएंगे, ये अच्छा इतने मजबूत है, ना तो टेढ़े होंगे ना इसका जो पटेला होता है ना वो खराब होगा। अच्छा, काफी लंबे समय तक? हाँ, लंबे समय तक चलेगा। अच्छा, और अगर हम बात करें इसके ऊपर वाले टॉप की, कि आपने कितना हार्ड बनाया है, कितना मजबूत है ये और लोगों की तरह नहीं है, लोगों के पतले पतले पट्टियां लगी होती है उतना नहीं है, ये काफी हैवी है। देखिए किसान भाइयों ये आप देख सकते हैं काफी हैवी दिया गया है, और इधर इसमें डबल है, यहाँ पर ये इसमें पुश लगा के दिया है, ये डबल पट्टी लगी हुई है ये, हाँ जी, ये और एक ये, पहले ये कट जाता था पिन से, अब आपने इसमें यहाँ पुश लगा दिया, डबल लगा दिया। अच्छा, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डबल यहाँ पर ये दिया है, जैसे कुछ किसान इसे होगली भी बोलते हैं, ये भी डबल दिया है जिससे कि इसमें कोई भी वाइब्रेशन ना रहे।
अगर हम बात करें इसकी गारंटी वारंटी की, हमारे किसान को आप रोटावेटर के साथ कितनी गारंटी देते हैं? एक साल की पूरी वारंटी। एक साल की पूरी वारंटी है, यहाँ से रखा हुआ वहाँ तक की पूरे की है। अच्छा, कोई भी टूट फूट होगी वो आपकी होगी? अगर ब्लेड खराब हो जाता, गियर वॉक खराब हो जाता, गरारी टूट जाती, पूरे किसकी गारंटी है। अच्छा, कुछ भी होता है वो आपकी गारंटी होगी, जैसे कि अगर किसान कुछ भी तोड़ के ले आएगा तो हमारी गारंटी। अच्छा, बाकी ये नहीं है कि कहीं एक्सीडेंट करके ले आए कि अब इसे ठीक कर दो। अब ये है, ये तो खेतों में चलने वाली चीज है, एक्सीडेंट तो कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा। लेकिन ऐसा होता ना, कभी कभी किसान लगातार चलाता है। अच्छा। और कभी कभी किसी और को भी दे देता चलाने के लिए, तो वो अनलिमिटेड चलाता है, कभी कभी ब्लेड खराब हो जाती है, गियर बॉक्स में भी प्रॉब्लम हो जाती है। एक साल तक की हमारी गारंटी। 13-23 आपका गियर बॉक्स है जी। अगर हम बात करें आपका जो सेंटर गियर बॉक्स है, इसमें ऑयल कितना आता है? 4.5। और साइड वाले में? 3.5। इसमें 3.5। इसमें यानी 7.5 कंप्लीट आता है। 7.5 कंप्लीट आता है। अच्छा, और आपने क्लंप भी इसमें 4 लगा रखे हैं जी। किसान भाई, ये आप देख सकते हैं 4 क्लंप का इस्तेमाल किया गया है। और अगर हम बात करें इसके साइड बैरिंग की, वो आपने कौन सा दे रखा है? पहले आता था ग्रीस वाला, अब आता है सियोल में। अच्छा, इस पे भी KHD की मार्किंग है? हाँ, पहले आता था ये सादा वाला। अच्छा, जैसे कि पहले आपकी कंपनी भी ग्रीस बैरिंग यूज करती थी, तो आप सीएल बैरिंग में आए हो, क्या कारण रहा है? ग्रीस वाला ये था कि किसानों को थोड़ी दिक्कत होती थी ग्रीसिंग करने में। अच्छा। अब सियोल में उनको आसानी भी है। अच्छा। और सहूलियत भी है। अच्छा, मैं अधिकतर क्या देखता हूँ रोटावेटर में, जो शिकायतें आती हैं वो आती हैं कि सील लीकेज हो गई। हाँ। आपके रोटावेटर में सील लीकेज? हमारी मैकेनिकल सील है। अच्छा, तो लीकेज की कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अच्छा अच्छा, किसान भाइयों, ये आप देख सकते हैं काफी शानदार ये रोटावेटर है। अगर हमारा कोई किसान साथी इसे खरीदना चाहता है तो अपना एक कॉन्टेक्ट नंबर बताइए। हमारी दो ब्रांच है, एक हमारी पहली ब्रांच है बिसौली में बिलसी रोड पे, बदायूं जिले में। अच्छा। दूसरी ब्रांच है बरेली में आंवले में। अच्छा, तो कैसे कोई एक कॉन्टेक्ट नंबर? हमारे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ, उससे कॉन्टेक्ट कर सकता है। किसान भाइयों, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप उन पर नंबर पर संपर्क करके आप KHD रोटावेटर खरीद सकते हैं। काफी बढ़िया क्वालिटी का ये रोटावेटर है, ये आप देख भी सकते हैं, काफी शानदार रोटावेटर है। और आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।